टेक्निकल यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे टेनोवर ई स्मार्टफोन से पोर्ट्रेट सेल्फीज क्लिक कर सकते हो विद फ्लैश। और दोस्तों आपसे मैं ये थोड़ा माफी चाहूंगा कि यहाँ पर जो फोन से मैं शूट कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत आपको नॉइस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक ऐसा एक इंसिडेंट दोस्तों हुआ था मेरे साथ जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जा रहा था एक जगह पे और यहाँ पर ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल बात कर रहे थे डुअल रियर कैमरास के बारे में। तो उन्होंने यही बोल रहे थे कि डुअल रियर कैमरा का जो रोल है वो क्या होता है। तो दोस्तों उनमें से दोस्तों एक ऐसा कह रहा था कि उसका जो यूज होती है यानी कि अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरे लिए दूसरा उसे यूज करने के लिए कंपनी हमें देती है। मैं बताना चाहूंगा कि जो डुअल रियर कैमरा का जो रोल होता है वो ब्लर इफेक्ट के लिए होता है। जैसे डीएसएलआर का जो बैकग्राउंड जो हमारी जो बैकग्राउंड होती है वो ब्लर हो जाती है, तो वही काम करता है ये जो डुअल रियर कैमरास। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने टेनोवर ई स्मार्टफोन में या फिर किसी भी स्मार्टफोन में पोर्ट्रेट सेल्फीज ले सकते हो विद सेल्फी फ्लैश के साथ। जी हाँ, आप अपने टेनोवर ई स्मार्टफोन में पोर्ट्रेट सेल्फी ले सकते हो और उसी के साथ आप इसे मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हो जितना आपको पोर्ट्रेट चाहिए होता है। तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या आपको करना है, यानी कि आपको जो दोस्तों आपको जो तरीका है यानी कि जो पोर्ट्रेट मोड का वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। करना क्या है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में सुझाना आपको ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलीपोर्ट। अब दोस्तों मैं इस टेलीपोर्ट के बारे में आपको बता दूं तो ऐसा दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन है अगर आप प्ले स्टोर में जाते हो तो दोस्तों आपको कई सारे ऐसे ब्लर इफेक्ट के मिलेंगे, उनमें से सबसे बेहतर यानी कि सबसे बेस्ट दोस्तों जो एप्लीकेशन है ब्लर इफेक्ट के लिए वो टेलीपोर्ट है। दोस्तों अभी तक आपने जितने भी एप्लीकेशन आपने देखे होंगे या फिर आपके मोबाइल फोन में होंगे दोस्तों उससे भी बहुत बढ़िया दोस्तों ये ब्लर इफेक्ट देता है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये कैसा काम करता है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं टेलीपोर्ट एप्लीकेशन में, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है सामने से। यहाँ पर यह सेटिंग है, सेटिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, टर्म्स ऑफ यूज और आपको रेटर्स दिखेगा। उसके बाद ये फ्लैश आता है दोस्तों, आप इसे इनेबल करके आप इसे सेल्फ के फ्लैश के साथ आप इसे पोर्ट्रेट सेल्फीज ले सकते हो। आप चाहे तो आप इसे रियर कैमरा में भी सेट कर सकते हो और चाहे तो इसे फ्रंट में भी रख सकते हो। और दोस्तों ये गैलरी दोस्तों आपको जो भी चाहिए होगा दोस्तों आप उसमें से कोई भी फोटो उठा के आप उसका पिक्चर्स दोस्तों आप ये ले सकते हो। तो चलिए आपको कुछ मैं इसका पिक्चर सैंपल्स कुछ क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसा ये वर्क करता है। दोस्तों इसकी जो एक कौन सी बात मैं ये कहूँगा कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा ज़्यादा लेता है ये, लेकिन उसके बाद दोस्तों इसका जो रिजल्ट दोस्तों जो वो काफ़ी आपको बढ़िया आपको मिलता है, ब्लर इफेक्ट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये प्रोसेसिंग के लिए। तो अभी प्रोसेसिंग हो चुका है दोस्तों, इसमें आप अपने हेयर को भी कलर कर सकते हो जैसा आप चाहो। यहाँ पर ऑप्शन से जितना आप चाहो उसे हेयर को कलर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप इसे कॉलेज भी कर सकते हो 3:3 या फिर आप इसे 2 से भी कर सकते हो। और आप दोस्तों आपको दिखा देता हूँ इसे ब्लैक बैकग्राउंड ब्लर आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बोके आपको मोड मिलता है जैसे आप मैनुअली चाहे जैसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो देख पा रहे होंगे कि जो बोके इफेक्ट है वो कैसा दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चेंज किया हूँ। तो दोस्तों इसको दोस्तों खास बात दोस्तों ये है कि आप अपने जो कस्टम बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो जो आप चाहे वही। अगर आपको कोई और बैकग्राउंड में इसमें डालना है जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको इस बैकग्राउंड को दोस्तों आपको लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ले लेते हो तो आप देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड दोस्तों आप किसी भी बैकग्राउंड को आप इसे ईजिली चेंज कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी दोस्तों बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों ये टेलीपोर्ट। अगर आप इसे ले लेते हो तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों एप्लीकेशन है किसी भी ब्लर या फिर किसी भी बैकग्राउंड चेंज एप्लीकेशन से। तो एक वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था कि आप टेनोवर ई और किसी भी और एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे पोर्ट्रेट सेल्फी ले सके। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अंत में इसे सब्सक्राइब भी करना। और आपको मैं एक चीज बोलने का हमेशा मिस करता हूँ, जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करना। मिलता आपको अगले वीडियो में।